जब आप मांगे पूरा नहीं कर सकते तो फिर वादा क्यों करते हैं? हम गरीबों के साथ में छलावा क्यों करते हैं? झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। इस धरना में इनका कहना है कि हम अपने बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को खाना खिलाते हैं, उसको अपना बच्चा की तरह मानकर अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन इतना करने के बाद भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बस 2000 रुपया, इतना में हम लोग का कुछ नहीं चल पा रहा है। और इनका क्या क्या मांगे है सुनिए। जी, आज हम लोग धरना पर नहीं बैठे हुए हैं, शरणार्थी हैं, क्योंकि हमारी आंदोलन 29 तारीख से ही विधानसभा के समक्ष कोटे मैदान में चल रही थी। हम लोग डिमांड भी दिए हुए थे कि 6 तारीख तक हमारा आंदोलन वहाँ चलेगा, जब तक सदन चलेगी तब तक, लेकिन 4 तारीख को ही सदन समाप्त हो गई, जिसके कारण हमें यहाँ पर शरण लेना पड़ा और हमारा आंदोलन 7 अगस्त से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलेगा विधि व्यवस्था पूरी विधि के अनुसार। और आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी मांग को कर रहे हैं कि तमाम रसोईया संयोजिकाएँ जो हैं वो हमारी मांगे हैं, 5 सूत्री मांगे हैं, तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को साल में 2 वस्त्र दिया जाए, और हटाए गए रसोईया संयोजिकाएँ जो 2018 में रघुवर सरकार द्वारा हटा दिए गए, मैं बहुत ही अफसोस के साथ करना कह रही हूँ कि 18 साल काम करने के बाद उन्हें हटा दिया गया है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि इन लोगों को पुनः बहाल किया जाए, पुनः इन लोगों को काम में फिर रखा जाए। जी 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 जी, हम लोग 18 साल से उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, हम लोग दूसरे बच्चे को अपना बच्चा समझ करके, माँ एक, जैसे कि कहा जाता है कि इतिहास में और साक्षी भी है कि एक देवकी ने जन्म दिया और यशोदा ने पालन किए, उसी तरह से हमारे जो गांव के जो हमारे जनता जो है, गांव के जो माता अभिभावक जो है, माँ बाप पिताजी है, वो लोग बच्चे को अपने विद्यालय में भेजते हैं सरकार के विद्यालय में, और हम लोग उन्हें यशोदा मैया की तरह हम बच्चे को पालन कर रहे हैं, भोजन बना करके खिलाते हैं बना करके, और हमारे बच्चे खुद भूखे रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं कि सरकार हमें जो 66 रुपया 66 पैसा में जो काम ले रही है, जिसके वजह से ना हम अपने बच्चे को बेहतर तरीके से ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना उनको कपड़े जुटा पा रहे हैं, और ना ही हम उन्हें बेहतर तरीके से भोजन दे पा रहे हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो मांगे जो है वो जायज मांगे हैं, और जायज मांगे हमें हर हाल में मिलनी चाहिए, क्योंकि आप सरकार का भी कहना होता है, सरकार भी ये नियम है कि 365 दिन जो भी अगर व्यक्ति काम कर लेता है, मजदूर काम कर लेता है सरकारी संस्था पर, तो उन्हें हक अधिकार हो जाता है न्यूनतम वेतन के लिए। आज हम 18 साल काम किए हैं लेकिन हमारी न्यूनतम वेतन नहीं लागू किया जा रहा है, ये तो सरासर गलत किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, तो आखिर क्यों ये सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर दिए हैं तो सरकार उसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार ठगने का काम कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, जायज मांगे हर हाल में होने चाहिए, और सरकार ने खुद हमारे संगठन के साथ में 2019 में सरकार सत्ता में आने से पहले वादा भी किए हैं कि हमारी सत्ता अगर रहेगी तो हम आपकी मांगों को एकदम देंगे, आपकी मांगे जो है वो जायज है। हमने सरकार को लाने का काम किया और आज 2.5 से 3 साल हो गई है लेकिन हमारी मांग को अभी तक अनसुनी कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब आप मांगे पूरा नहीं कर सकते तो फिर वादा क्यों करते हैं? हम गरीबों के साथ में छलावा क्यों करते हैं? हमें क्यों ठग रहे हैं आप? इसका मतलब है कि हमसे वोट लेने के लिए आप वादा करते हैं? आप सतर्क हो जाइए सरकार, क्योंकि हम अगर आपको वोट के माध्यम से जिता सकते हैं, सत्ता पर ला सकते हैं, गद्दी पर बैठा सकते हैं, तो हम वोट के माध्यम से आपको सरकार के पद को भी हम उतार सकते हैं, सत्ता को हम उतार सकते हैं सत्ता से। आपको चाहिए कि जब आप झारखंड का बेटा है, झारखंड का सरकार है, और हम लोगों ने ये सोच करके किए कि आप झारखंड के वासियों का कल्याण करेंगे, आज झारखंड के जितने भी महिलाएं त्रस्त हो रही है, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? आप झारखंड का बेटा होते हुए, झारखंड का सुपुत होते हुए, एक आंदोलनकारी का बेटा होते हुए भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे? आप गरीब का समस्या का समाधान नहीं करिएगा तो किसको करिएगा? आपको सत्ता पर लाने का काम हम लोग इसलिए नहीं किए हैं कि आप गरीब का कल्याण करिएगा, गरीब का समस्या का समाधान करिएगा, जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उनको न्यूनतम वेतन से जोड़िएगा, आप तो उल्टा कर रहे हैं। इसलिए मैं आप चेतावनी दे रही हूँ
कि जिस तरह से हम लोगों ने सत्ता पर लाने का काम किया तो सत्ता से उतारने का भी काम करेंगे। आश्वासन में हम लोग बैठे हैं कि आप बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हैं सरकार। हम लोग सरकारी स्कूल में खाना बनाते हैं, रसोइयाँ हैं, और हाँ दो अब एक हज़ार मतलब बहुत पहले तो 20 पैसा में करवाते थे, प्रत्येक बच्चा में 20 पैसा के हिसाब देते थे, उसमें से डायरेक्ट कर दिए हैं 1000। 1000 में 500 रुपया बढ़ाए हैं दो बार करके, उसमें 2000 दे रहे हैं अभी। उसमें भी अभी हम लोग को पालन पोषण बच्चा के लिए नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग के लिए सरकार कितना अंधरा बहरा बन के बैठे हुए हैं, उसी के चलते हम लोग धरना में बैठेंगे कल से। हम लोग को मांग है कम से कम हम लोग को 12000 रुपया सरकार देंगी, और अभी 2000 के हिसाब देते हैं। हाँ, और उतना कम पैसा में हम लोग को पोसाए भी नहीं पड़ता है, फिर भी लगे हुए हैं कि अब सरकार हम लोग को बढ़ाएंगे 5 लाख का जीवन बीमा करेंगे। काहे कि हम लोग बड़ी जल पोड़ के भी खाना बनाते हैं, पानी आते रहता है, छाता भी गरीबी के कारण हम लोग को छाता भी नहीं रहता है। इतना कम पैसा देता है कि कहाँ से घर चलाएंगे, कि परिवार चलाएंगे, कि बच्चा सबको पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में भी बड़ी अधिक खर्चा है। उसके कारण हम लोग बहुत एकदम नीचे गिरे हुए हैं, एकदम बच्चा सबको भविष्य के लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बेटी नहीं, मेरा ही बच्चा पढ़ता है, मेरा ही बच्चा, लेकिन खाना खिलाने के बावजूद भी हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम वेतन बढ़ाने नहीं मिल रहा है। 66-65 पैसा में हम काम कर रहे हैं, उतना पैसा में बाल बच्चा ना पढ़ पा रहा, ना आगे बढ़ पा रहा, बस खाली बेरोजगार में बाल बच्चा ही रह रहा है। 8:30 बजे रांची के मरम्मत विद्यालय बड़किलारी से रामगढ़, बस 1500 तो मांग है कि हम लोग का वेतन बढ़वा दिया जाएगा, 5 लाख का जीवन बीमा कर दिया जाएगा, क्योंकि गैस में इतना बड़ा बड़ा गैस रहता है, गैस ना जाना फट जाएगा, कुछ जल जाएगा, या तो हम लोग उतना बाल बच्चा से उतना बच्चा रख के बावजूद भी खाना बनवाते हैं, अगर ना जाने गैस में हम लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन बाल बच्चा हम लोग क्या चीज़ हो जाएगा, बिखर जाएंगे। इसके लिए हम लोग का 5 लाख का जीवन बीमा कर दिया जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।